बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फ्राइड शिमला विद चिकन। और आमतौर पर हमारे घर में सिंपल चिकन और चिकन की हांडियाँ बहुत सारी बनती हैं, लेकिन आज मैं थोड़ी सी रेसिपी डिफरेंट लेकर आई हूँ। तो जिसके लिए हमें सबसे पहले शिमला मिर्च चाहिए, जो कि 3 शिमला मिर्च मैंने बड़े साइज़ के क्यूब्स में काट ली, 2 प्याज जिनको मैंने ब्रिक चॉप कर लिया, और 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टी स्पून जो है वो मैंने लिया है खुश्क धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून हल्दी, और 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। और यहाँ पे जी हम लोगों ने लिए 4 टेबलस्पून योगर्ट के, और 2 ग्रीन चिलीज को मैंने बारीक काट लिया है, और ये ज़ीरा या गर्म मसाला हम लोग एंड पे ऐड करेंगे, वो भी मैंने 1 टीस्पून लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं तकरीबन 4-5 टेबल स्पून मैंने ऑयल ऐड किया, उसके अंदर ब्रिक जो है वो चॉप किया हुआ अनियन हम ऐड कर देंगे। तो साथ ही जो है वो मैंने पैन में जो है वो रखा हुआ है चिकन को, जिसको मैं सिर्फ हल्का सा 1-2 बॉईल दूंगी। और चिकन जो है वो मैंने तकरीबन लिया है मतलब एक ब्रेस्ट का पीस लिया मैंने, ठीक है, जिसको मैंने छोटी छोटी कटिंग जो है वो मैंने कर लिया था। तो अभी मैं आप लोगों को आगे वीडियो में वो दिखा दूंगी। मैं लाजमी तौर पर जो चिकन है ना उसको हल्का सा बॉईल करके फिर ऐड करती हूँ, जिससे फिर चिकन की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और साथ मैंने दालचीनी का एक पीस भी जो है वो इसमें ऐड कर देना है बस। इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा मसाले हम ऐड नहीं करेंगे, सिंपल सा घर का जो है वो टेस्ट हम लोग इसमें सिर्फ देंगे, और बहुत ही मज़े का बनता है। यहाँ पर जी मेरा प्याज जो है वो सौते हो रहा था, साथ ही मैंने इसके अंदर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया था। तो अब हम इसको जो है वो 2-3 मिनट हल्का सा फ्राई कर लेंगे, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले सॉल्ट और बाकी के तमाम जो स्पाइसेस मैंने आप लोगों को पहले मेंशन किए थे, यानी कि चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून और 1 टेबल स्पून जो है रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, और बाकी ये तमाम जो है इसमें खुश्क धनिया भी हम ऐड कर देंगे। ये तमाम स्पाइसेस मैंने इस टाइम इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना बॉयल किया हुआ चिकन, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने एक पीस लिया था, जिसके मैंने छोटे छोटे जो हैं वो पार्ट्स कर लिए थे क्यूब्स में। तो यहाँ पे जी अब हम चिकन को करेंगे अच्छी तरह फ्राई, मतलब कि इसके अंदर भून लेंगे मसाले में, और इस तरह से हमारी चिकन की जो है स्मेल बिल्कुल ख़त्म भी हो जाएगी, और बहुत अच्छे से जो है वो चिकन हम लोग भून के उसके बाद फिर हम इसके अंदर इस टाइम थोड़ा सा जो है वो खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चिकन के ऊपर जो है वो ऑयल आना स्टार्ट हो गया, और वैसे भी चिकन मेरा काफ़ी हद तक जो है वो भून लिया मैंने। और उसके बाद अब मैंने इसके अंदर 2 बारीक कटी हुई जो है वो ग्रीन चिलीज ऐड कर दी हैं, उससे जो है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और एक पीस मैंने दालचीनी का भी इसमें ऐड कर दिया है। तो अब हम इसको अच्छे से जो है वो भून लेंगे, और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून जो है योगर्ट, और योगर्ट को जो है वो हम ऐड करने के बाद इसको हल्का सा साथ इसके अंदर पानी ऐड करेंगे तकरीबन 3-4 टेबलस्पून, और उसके बाद हम इसको जो है वो हल्की आंच पे ज़रा रख देंगे, जिससे हमारा चिकन थोड़ा सा अच्छे से गल जाएगा, और उसके बाद फिर हम इसके अंदर जो है वो शिमला मिर्च फ्राई करके ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद हम इसको बिल्कुल इस तरह से स्टीम में जो है वो हल्का सा जो है वो कुक कर लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, और सिर्फ 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद जो है वो साथ ही आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं जो शिमला मिर्च है उसको मैं हल्का हल्का सा फ्राई कर रही हूँ, और उतनी देर में जो है वो मेरा चिकन भी जो है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल मेरा चिकन का मसाला जो है वो अच्छे से तैयार हो चुका है, और हल्का हल्का सा जो है वो साइड्स पे ऑयल भी आना स्टार्ट हो गया है। ये हांडिया की जो है वो निशानी होती है, ये एक टिप है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को पता लग जाएगा कि जब आपकी हांडिया अच्छे से भुनी जाएगी तो उसकी जो है ना वो ऑयल ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो है वो हल्का हल्का सा आ जाता है। और यहाँ पे जो है वो शिमला मेरी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है, अब हम शिमला जो है वो अपनी फ्राई की हुई उसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप लोग वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखिएगा, और ये आप लोग रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत अच्छी लगेगी और बहुत ही टेस्टी बनती है। वैसे शिमला मिर्च तो खाते नहीं हैं बच्चे, और ना ही हम लोग जो है वो नॉर्मली घर में इतना बनाते हैं। तो अगर आप मिक्स वेजिटेबल या चिकन में इस तरह से ऐड करें तो फिर इसका जो है वो टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो बस शिमला मेरी ऑलमोस्ट डन हो रही है।
अब हम इसमें फ्राइड शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे जी मैं आप लोगों के साथ एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट शेयर कर रही हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून इसमें क्रीम ऐड की है। इससे जो है वो हमारी हंडिया का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। अगर आप इसको ऐड करें तो आप लोग ज़रूर इसको टेस्ट को जो है वो देखिएगा कि कितना मतलब चेंज होता है और कितना टेस्टी होता है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। और अगर आपको मेरी आज की ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आप इसको इस तरह से एक बाउल में जो है वो डिश आउट कर सकते हैं। इसके ऊपर हल्का सा मैंने धनिया जो है वो गार्निश कर दिया है। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।